आज की वीडियो में बात करेंगे Realme 9 5G डिवाइस की, जो सर काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में Android 12 और Realme 3.0 का ऑप्शनलिटी को कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ यूजर्स ने अपने डिवाइस को Realme 3.0 बीटा पर अपडेट करके रखा हुआ है, बट उनको कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर Android 12 का ऑप्शनलिटी के साथ में उन सारे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। और कुछ ऐसे जिनका डिवाइस अभी भी Android 11 पर अपडेटेड है, तो उनको भी यहाँ पर Android 12 का ऑप्शनलिटी कब तक देखने को मिलेगा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं Realme 9 5G डिवाइस के Android 12 और Realme 3.0 ऑप्शनलिटी के बारे में बात करें। उससे पहले Android 11 को बताना चाहूंगा, आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। वहां पर आपके डिवाइस में जो भी सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिलता है, उसे आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी ऑप्शनलिटी को प्रोवाइड किया था, वहां पर एक अपडेट वर्जन देखने को मिलेगा कि आपका डिवाइस इस अपडेट वर्जन पर अपडेट होना चाहिए, तभी आपको फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 12 का ऑप्शनलिटी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं Realme 3.0 बीटा, जिसको कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ब्लूटूथ का देखने को मिल रहा है। आजकल ब्लूटूथ तो सब यूज करते हैं, जो वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट होता है। एंड यहाँ पर आपको बैटरी भी फास्ट ड्रेन हो रही है, आपका डिवाइस लैग भी हो रहा है। एंड यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको आपके डिवाइस में Android 11 पर अपडेट करना है, मतलब रोल बैक करना है, तो उसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपको Android 11 पर अपडेट कैसे करना है आपके डिवाइस को। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको Android 12 का जो ऑप्शन है वहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको सितंबर के मिड तक ये अपडेट देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर सितंबर के मिड तक अगर नहीं प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ पर आपको सितंबर के लास्ट वीक में डेफिनेटली ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो अगस्त का मंथ था, उसमें यहाँ पर रियलम की ओर से एक ऑफिशियली कंफर्मेशन हुआ था कि रियलमी 9 5G डिवाइस में एंड्रॉइड 12 का जो ऑप्शन है वो अगस्त के लास्ट वीक तक प्रोवाइड किया जाएगा, पर वहां पर प्रोवाइड नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर सितंबर में आपको डेफिनेटली अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो आपको एक्टिव रहना होगा। तो इस छोटी वीडियो में यही था, अगर इच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम को आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है, टेक केयर।